देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुकुमरान सब व्यस्त दिखे खून खरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं लाए हैं हम, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आए हैं हम। क्या आपको पता है हमारा देश कब कब घायल होता है? सिर्फ सीमाओं पर ही घायल नहीं होता, जब मंदिर मस्जिद के नाम पे हथियार उठाया जाता है, जब झोपड़पट्टी से ज्यादा जरूरी राजमहल की घोड़ी होती है, जब मजबूरी में नन्ही बेटी कूड़े दान में छोड़ी होती है, जब अदालतों के चक्कर लेते घिसती बूढ़ी लाटी है, जब दफ्तरों में पेंशन में हिस्सेदारी काटी होती है, जब इंसान ही बने हैवान, छीन लिया बहु बेटियों का मान, भ्रष्टाचार दंगे जातिवाद जैसे आबाद हुए शैतान, आज हम अपने नाटक से करेंगे खुलासा खुलेआम। स्वागत तो करो हमारा। नेताजी की जय, नेताजी की जय। भाइयों और बहनों, मैं यहाँ आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। अरे क्या मांगने आया हूँ? अरे नेताजी वोट वोट। वो तो आप हर 5 साल में मांगने आते हैं। हाँ हाँ, हमारे दादाजी ने इसी सीट से इलेक्शन लड़ा और वो जीते भी। उनके स्वर्ग सिधारने के बाद हमारे पिताजी ने भी इसी सीट से इलेक्शन लड़ा और बड़े आश्चर्य की बात है वो भी जीत गए। अब जब वो स्वर्ग सिधारने वाले हैं, तो अब हमारी बारी है कि हम आप सबकी सेवा करें। नेताजी की जय, नेताजी की जय। इस बार जब हमारी सरकार आएगी तो खुशियों की सौगात लाएगी। हम इस बार सिर्फ वादे नहीं करेंगे बल्कि निभाएंगे भी। नेताजी, अगर हमने आपको वोट दिया तो आप हमारे लिए क्या करोगे? बड़े बड़े स्कूल बनाएंगे जहां बच्चे पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेंगे। और टीचर का क्या? हाँ हाँ, वो भी आ जाएंगे। बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे। और डॉक्टर का क्या? हाँ हाँ, वो भी भर्ती हो जाएंगे। दो साल के भीतर हर आदमी के हाथ नौकरी होगी, जैसे हमारे ललन भैया। हमने हमारे पिताजी से कहकर इनकी दोनों टांगे तुड़वा दी और इन्हें विकलांग कोटे के तहत 30,000 की नौकरी लगा दी। जी हाँ, 30,000 की नौकरी। नोटों की गड्डी पर मोहर लगाइए, हमारे नेताजी को बहुमत से जिताइए और नोटों की गड्डी साथ ले जाइए। नेताजी की जय, नेताजी की जय। तो देखा आपने कैसे भ्रष्टाचारी नेता अपने मुनाफे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। भ्रष्टाचार की नींव तो उस दिन से रखी जाती है जिस दिन माँ बच्चे से कहती है, बेटा ये काम जल्दी से खत्म कर लेगा तो तुझे बड़ी चॉकलेट मिलेगी। अनजाने में दिया गया लालच का बीज आगे जाकर विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। नेताजी, नेताजी, इस बार तो चुनाव में हमारा पत्ता ही कट गया। हाँ, मुद्दा ही क्या बचा था उठाने के लिए? बिजली, पानी, शिक्षा, नौकरी सब बेकार है। अरे हट, बिजली, पानी, शिक्षा, नौकरी दे के जो करता है पहली बॉल में ही रन आउट हो जाता है। अयोध्या नहीं लंका बनानी है। लंका चुनाव जीतना है तो सरकार को 6 महीने पहले ही गिराना होगा, माइनॉरिटी को भड़काना होगा, मेजॉरिटी से लड़वाना होगा। नेताजी की जय, नेताजी की जय। समाज की सूरत, बिछड़ा दिया माँ बाप को अपनी औलाद से। क्या कसूर था बेचारों का, क्या कसूर था बेचारों का, इन्हीं खेलों की वजह से खेली जा रही है जिंदगी हजारों की। भाई साहब वो दो ना, ये हाँ ये नहीं वो चोर, चोर मारो इसे, चोरी करता है। मत मारो मुझे, क्या कसूर है मेरा? यही कि मैं गरीब हूँ। मैंने तो चुराया था अपने पेट भरने के लिए। देश के नेता जब लाखों का घोटाला करते हैं, इस देश के पुलिस वाले जब करोड़ों की रिश्वत लेते हैं, तब तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए समाज की ये भी है तस्वीर, भूखे पेट वालों की। क्या यही है तस्वीर? भूखे पेट को भरना क्या था उसका गुनाह, अमीरों की बस्ती ने बना दिया उसे बेमा। क्या हुआ भाई साहब, आपने मुझ पे कूड़ा क्यों फेंका? मेरी मर्जी, मैं चाहे कुछ भी करूं। ये कैसी मर्जी है? इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? चलो चलो, वहाँ कुछ हो रहा है। क्या हुआ भाई साहब, जुबान लड़ा रहा है मुझसे? ये तेरी औकात ही क्या है जुबान लड़ाने की? भूल गया किस देश में है तू? यहाँ धर्म जाति से परे सवाल नहीं होते, विरुद्ध जाने पे कत्ल होते हैं कत्ल, कोई बात या कोई बवाल नहीं होते।
सदियों से बंधा हुआ अपना संसार तोड़ ना पाए इन जंजीरों को, क्या है हम इतने लाचार? मत मारो इन मासूमों को ए जाति के पहरेदार, बंद करो ये बलि चढ़ाना, बंद करो ये अत्याचार। चैन और अमन का देश है मेरा, इस देश में एकता रहने दो, लाल हरे में मत बांटो इस शान तिरंगा रहने दो। पर कैसे, ये देश भी तो हमारा एक परिवार है, इसे सींच के रखना हमारा अधिकार है। पर कैसे, हम कहते हैं कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है, बेटा बाप से इंटेलिजेंट हो रहा है, अमीरों का काम अर्जेंट हो रहा है, गरीब बेचारा साइलेंट हो रहा है, रिश्वत से कारिया हैंड टू हैंड हो रहा है, चोरी डकैती परमानेंट हो रहा है, फिर भी हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। पर कैसे, ये कैसा डेवलपमेंट? जात पात से उठकर आओ, नई शुरुआत करें, बेहतर माहौल के खातिर मिलकर समाज का सुधार करें। चलो सब मिलकर आज एक प्रण लेते हैं, ना करेंगे भेदभाव, ना करेंगे दंगे फसाद, ना बढ़ने देंगे दरिंदगी, पाकर रहेंगे सुख शांति और समृद्धि। चलो सब मिलकर आज एक प्रण लेते हैं, एक कोशिश हम भी सरेआम करते हैं, हिंसा को खत्म करेंगे बनाकर अहिंसा को हथियार। जय जय।